मॉर्टन्स न्यूरोमा एक तरह का मेटाटार्सालजिया है जिसमें आपको पंजे में दर्द और सुन्नपन हो सकता है। यह तकलीफ आमतौर पे उन लेडीज में कॉमन होती है जो हाई हील और पतली नोक के सैंडल जैसे कि वैलीज वगैरह पहनती हैं। पतली नोक के सैंडल और हाई हील पहनने के कारण आपके मेटाटार्सल जो हैं वो दबने लग जाते हैं, जिसके कारण से वहाँ पे जो नस जा रही हैं जिसको डिजिटल नर्व्स बोलते हैं वो दबती हैं और वहाँ पे पेरीन्यूरल फाइब्रोसिस होता है। तो नसों के अराउंड जो है फाइब्रोसिस बनने के कारण वहाँ पे आपको दर्द महसूस हो सकता है। आमतौर पे ये तकलीफ थर्ड इंटर स्पेस में ज़्यादा देखने को मिलती है, कुछ मरीजों में दूसरे पंजे की उसमें भी देखने को मिल सकती है। यह तकलीफ लेडीज में पुरुषों की तुलना में 9 गुना ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसका कारण ये होता है कि लेडीज जो हैं वो हील्स ज़्यादा पहनती हैं और वेलीज मतलब नैरो शूज़ जो हैं वो ज़्यादा पहनती हैं, सैंडल्स वगैरह ज़्यादा पहनती हैं। यह तकलीफ ट्रांसवर्स इंटर मेटाटार्सल लिगामेंट नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके नीचे से आपकी डिजिटल नर्व पास होती है। वो ट्रांसवर्स इंटर मेटाटार्सल लिगामेंट जो है वो नस पे दबाव डालता है, जिसके कारण से ये तकलीफ देखी जाती है। यह तकलीफ रिपीटेड माइक्रोट्रॉमा की वजह से, जैसा कि मैंने आपको कहा, नैरो शूज पहनने से ज़्यादा देखने को मिलती है। आपको पंजे में दर्द होता है, जलन महसूस हो सकती है, क्रैम्प्स महसूस हो सकते हैं और अगर आपको टेस्ट करना है तो जब आप वेब स्पेस में दबाएंगे तो पंजे में जो है वो दर्द महसूस होता है। कई मरीजों में आप ये न्यूरोमा महसूस कर सकते हैं दबा के पालपेट करके, कई मरीजों में आपको नहीं भी महसूस हो, ऐसा हो सकता है। ये बीमारी के लिए आपको अपना इंडेक्स ऑफ सस्पिशन ज़्यादा रखना पड़ता है। कई बार जो मरीज होते हैं वो पंजों में दर्द की कंप्लेन करते हैं, परंतु आपको देखना पड़ता है कि पंजे में जो दर्द है वो एग्जैक्टली कहाँ पर है, वेब स्पेस में है कि नहीं, जहाँ पर नर्व जा रही है, डिजिटल नर्व जा रही है वहाँ पे है या नहीं है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसकी 2 तरह की जांच आमतौर पे कराना पसंद करते हैं। एक तो एक्सरे कराते हैं ये देखने के लिए कि और कोई तकलीफ नहीं है, और उसके बाद आइदर उसका अल्ट्रासाउंड या फिर उसका MRI हम कराते हैं, जिसमें हम जो मॉर्टन्स न्यूरोमा है जिसको इंटर डिजिटल न्यूरोमा भी बोलते हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं। यह जो होता है ये टेस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण है, वेब स्पेस कंप्रेशन टेस्ट बोलते हैं। तो आपके पंजे में जो पंजे की जो उंगलियां होती हैं उसके 2 बीच की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम 2 से दबाते हैं और अगर उसमें दर्द आता है तो ये इस बात का द्योतक है कि आपको इंटर डिजिटल न्यूरोमा या मॉर्टन्स न्यूरोमा की तकलीफ आने लग गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा होता है तो हम इसके लिए ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। पहला ट्रीटमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाइड बॉक्स शूज पहनना रहता है, आपको इमोबिलाइजेशन करना रहेगा, कम वजन डाल के चलना रहेगा, रेस्ट करना रहेगा, कुछ दवाइयां दे सकते हैं हम जो दर्द कम करें और सूजन कम करें, जिनको हमारी भाषा में नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग बोलते हैं। साथ ही साथ आपको वाइड बॉक्स शूज पहनने और एक मेटाटार्सल बार, एक ऑर्थोटिक सपोर्ट होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पर ये सब करने से जो आपकी तकलीफ है वो 20-40% केसेस में आराम आ जाता है और उसके आगे हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर इसके बावजूद भी आपकी तकलीफ ठीक नहीं हो तो जहाँ पे ये मॉर्टन्स न्यूरोमा है वहाँ पे एक स्टीरॉयड इंजेक्शन दिया जा सकता है, जिससे जो है आपकी तकलीफ हम ठीक कर सकते हैं। कई मरीजों में ये सब कुछ करने के बावजूद भी आराम नहीं आता है, तो इन मरीजों में हम एक छोटी सर्जरी करके डॉर्सल अप्रोच मतलब ऊपर की तरफ से अप्रोच करके जो आपका न्यूरोमा है, इंटर डिजिटल न्यूरोमा या मॉर्टन्स न्यूरोमा है, उसको हम अपनी जगह से निकाल सकते हैं, जिसको न्यूरेक्टमी बोलते हैं या एक्सिशन ऑफ न्यूरोमा बोलते हैं, और साथ ही साथ हम उसकी जो नर्व एंडिंग्स होती हैं उसको मसल्स में बरी कर देते हैं, जिससे आपको वापस दोबारा ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ एक मरीजों में, मैं मानता हूँ करीबन 20-30% मरीजों में जिनमें आराम नहीं आता है, उनमें हम मॉर्टन्स न्यूरोमा की एक्सिशन सर्जरी या न्यूरेक्टमी की सर्जरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मॉर्टन्स न्यूरोमा, जो आपके पंजे में होने वाले दर्द और सुन्नपन का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, उसके बारे में आपको सारी जानकारी दे पाया हूंगा। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख के पूछ सकते हैं। हमारे चैनल एडवांस हॉस्पिटल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।